2021 को लेकर के जो मेरिट लिस्ट आई है, अगर आपका उसमें नाम नहीं है और अगर आपका नाम उसमें है, तो दोनों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है तो आपको क्या करना है आगे, और मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, और जो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ चुका है तो आप आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे जिसके कारण आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्टिफिकेट्स की, क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना है इस विषय पे, आपका मेरिट लिस्ट पे फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा जिससे कि आपका नाम आ जाए उसमें, सबके विषय में चर्चा करेंगे। सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, सारा आपका प्रॉब्लम जितने भी है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं नोटिफाइड चैनल। बहुत सारे क्वेश्चंस थे बीएड को लेकर के, इस वजह से मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ इस पे, एक प्रॉपर वीडियो जिसमें कि आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। मेरिट लिस्ट आ चुकी है बीएड की, आपका अगर उसमें नाम नहीं आया है और अगर आपका नाम आ चुका है तो आगे क्या करना है, अगर आपका नाम नहीं आया है तो भी क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ इसमें जो जानकारी मिल जाएगी। आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखें, बिना स्किप किए आप लास्ट तक वीडियो को देखें जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए एक साथ एक ही वीडियो में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस था, बहुत सारे मैसेजेस था, बहुत ज्यादा ईमेल्स था, बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन पे था। हमारा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया कंफ्यूजन, जो कि यहाँ पे आई बटन पे है, मिल जाएगा आपको। ये आई बटन पे यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका जो जितने भी कंफ्यूजन था वहां से क्लियर होगा है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर्टिफिकेट्स कौन से आपको ले जानी है जिससे कि आपको कोई असुविधा प्राप्त नहीं होगी वहां पर जाने के बाद। तो सबसे पहला बात है कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं कि निवासी प्रमाण पत्र, तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। सेकेंडली आपको जाना है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट मीन्स आय सर्टिफिकेट। थर्ड आपको लेके जाना है आधार कार्ड, फोर्थ फोटो लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है आपको। फिफ्थ में आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट का आपको जो है कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करके रखे हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, अन्य किसी कैटेगरी से हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना ही होगा। थर्डली अगर आपको 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, ये तीनों का आपको मार्कशीट लेके जाना है, मार्कशीट जो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो भी लेके जाना है। ग्रेजुएशन का जो फाइनल, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच कि ग्रेजुएशन का सर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड थर्ड तीनों का लेके जाए, थर्ड ईयर तक का लेके जाए, हर सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लेके जाए, या फिर हर सेमेस्टर का एडमिट कार्ड मार्कशीट दोनों लेके जाए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे कि आपको सिर्फ मार्कशीट लेके जाना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का मार्कशीट जितने भी है, फाइनल का मार्कशीट लेके जाना है, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर्स का है उनका मार्कशीट लेके आपको जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसके पास मेरिट लिस्ट नहीं है, तो आप मेरिट लिस्ट के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपको वो लिंक पे आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करके ही आपको डाउनलोड हो जाएगा, वो मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर ले, उसमें अपना नाम सर्च कर ले। अगर आपका नाम, आपका फादर का नाम मैच कर रहा है, इसका मतलब कांग्रेचुलेशंस, आपका बीएड में का जो मेरिट लिस्ट है उसमें सिलेक्शन हो चुका है और आप बीएड कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से। आपको सिलेक्शन के लिए कॉलेज दिया जाएगा, उस कॉलेज जो है आपका बगल का कोई कॉलेज है उसमें आप जाकर के सिलेक्शन में टिक करके अपना काम कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, आपको बस करना क्या है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर से भी आप हमें मांग सकते हैं कि सर हमें मेरिट लिस्ट सेंड कर दें, तो आपको वहां से भी हम अपने व्हाट्सएप अकाउंट से आपको मेरिट लिस्ट दे देंगे। फेसबुक से भी आप पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेश्चंस, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं हमारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में जो चल रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन यहां तक कि हम लोग यहां पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसमें भी आप अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एडमिशन को लेकर के। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो आप इस नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया, सर हम क्या करें जिससे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, या फिर हमें कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट झारखंड में कॉलेज मिल जाए। देखिए बीएड जो है वो बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप कोर्स करते हो बीएड की तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आप जो है टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट टीचर, प्रिपरेशन चालू रहेगा, बीएड 2 साल का मात्र हो गया है, और 1 to 5 और 6 to 8 एंड हाई स्कूल तीनों का आपको जो होता है एबिलिटी मिलेगा जिससे कि आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो अपना। इसका नाम नहीं आया है मेरिट लिस्ट में, उसके लिए भी मैं बोलूंगा कि आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, अपना नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ताकि आपका जो है जितने भी क्वेश्चन है जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप चिंता ना हो, निराश नहीं हो, इसमें आपका जो है थर्ड सेकेंड जितने भी फाइनल मेरिट लिस्ट होगा उस समय से नाम आ जाएगा आपका। और अगर फिर भी अगर आपका नहीं आ रहा है मेरिट लिस्ट में नाम, फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, तो आप अपना प्राइवेट कॉलेज में आप रूट मोड़ सकते हो अपना, जिससे कि आपको बहुत भी बढ़िया कॉलेज मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में अभी हो गया है कि आप वहां पे जाकर के एडमिशन करा करके अपना बीएड जो है कोर्स वो पूरा कर सकते हो। फिर भी किसी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर मैं साल बर्बाद कर दूंगा पर मैं पैसे बर्बाद नहीं करने दूंगा, मैं अपना जो है प्राइवेट कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं करवाऊंगा, मैं अपना एक साल टोटली वेस्ट कर दूंगा पर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं कराऊंगा, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आप एक साल वेट कर लो, फिर नेक्स्ट आने वाला है बीएड का और हमें चैनल से जुड़ के रहो ताकि जैसे ही नेक्स्ट बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म निकलेगा तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो हमारे वीडियो से ही। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखें, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, बेल आइकन को क्लिक करें, देन ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारा ऐसे ही वीडियो आपको जो है यूजफुल वीडियो, ताकि आप जो है नेक्स्ट जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम निकलता है आप अप्लाई कर सको। इसके लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। कुछ बच्चे निराश है कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया है, तो उनको निराश होने कोई जरूरत नहीं है, हमारे दिए हुए नंबर पर डायल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और हमारा जो है लिंकअप जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हमारा जो गेट नोटिफाइड चैनल है इसका बहुत ज्यादा लिंकअप है हर एक यूनिवर्सिटी से, इधर हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो और इवन झारखंड में भी अगर आपको एडमिशन कराना है तो हमारे नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी एकदम पूर्णतः गवर्नमेंट कॉलेज जहां पर कि आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा 100%। आप हम पे ट्रस्ट रखें इस चैनल पे और जो है आपका जो जितनी परेशानी हो इस चैनल पे आप अपना व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट पे कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, मेरिट लिस्ट भी वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, कोई भी ग्रुप पे आप जुड़ करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और हम आप हमसे बात कर सकते हैं, आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं, जितनी परेशानियां हैं वो आप हमसे कह सकते हैं कि आप ये परेशानी झेलना पड़ रहा है आपको ये साल, और जितने भी परेशान है उनके लिए ये जो चैनल है ये आपके लिए ही बनाया गया है कि जितने भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन है आप पुट करें हमारे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं, नीचे में कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, आप नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे चाहते हैं, किस कोर्स को के लिए आप जो है इंटरेस्टेड हो, आप इस चीज को भी बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट जरूर करें और अपना जितने भी प्रॉब्लम है उसको जरूर पुट करें हमारे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।